हेलो गाइस, अगर आप एयरपोर्ट्स परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख सकते हैं ये मीवी का डुओपोड्स M30 एयरबड्स है और इसको जो है हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। आज इसका रिव्यू का वीडियो बना के आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या खासियत है इसकी। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ ये जो है फिंगरप्रिंट सेंसर से वर्क करता है। कॉल के रिसीव करना हो या फिर वीडियो प्ले करना हो, पॉज करना हो, या अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं उसको पॉज करना हो, प्ले करना हो, तो सारा कुछ फिंगरप्रिंट सेंसर्स की मदद से आप कर सकते हैं। सिंपली आप फिंगरप्रिंट यहां पे लगाएंगे और ये वर्क करेगा। कॉल को रिसीव करना है तो फिंगरप्रिंट सेंसर से आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं। कॉल को कट करना है तो भी आप फिंगरप्रिंट की मदद से कॉल को कट कर सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे अच्छी लगी। और दोस्तों, इसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, किस तरह से आप अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करेंगे, पेयर करेंगे, इसको किस तरह से ऑन ऑफ किया जाता है, तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए सिंपली ये फिंगरप्रिंट सेंसर जो दिया गया है इसके ऊपर आप फिंगर लगाएंगे और ये जो है ऑन हो जाएगा। अभी ये ऑफ है, इसमें कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है। जैसे ही इसके ऊपर फिंगरप्रिंट लगाएंगे और ये ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें लाइट ब्लिंक होने लगी है। और दोस्तों, मीवी डुओपोड्स M30 की क्वालिटी के बारे में बात करें तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। इसका बास क्वालिटी भी अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है ये नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक बैंड यूज़ करते हैं ये बोल्ट ऑडियो का, हम इसको भी यूज़ करते हैं तो इसका बास क्वालिटी जो है वो भी अच्छा है और इसका मीवी का इसका भी अच्छा है। तो कंपेयर करें अगर दोनों का तो बोल्ट ऑडियो का बास क्वालिटी अच्छी है मीवी के मुकाबले। मीवी का कम पड़ जाता है, इसकी बास क्वालिटी कम पड़ जाती है। लेकिन एक चीज़ इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही लाइट वेट है और इसको सिंपली आप जो है अपने ईयर में इस तरह से फिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं कहीं भी आना जाना हो। और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हैसल फ्री रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी जब इसको आप यूज़ करेंगे। अगर आपको कॉल रिसीव करना है, कॉल आ रही है, सिंपली आप फिंगरप्रिंट को रखेंगे और कॉल रिसीव हो जाएगी। ये चीज़ हमको सबसे अच्छी लगी कि अगर आपको कॉल रिसीव करना है या कुछ भी करना है सिंपली फिंगरप्रिंट की मदद से आप कर सकते हैं। इसके अलावा बोल्ट ऑडियो का ये नेक बैंड इस यूज़ करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे स्विच दिए गए हैं। इन स्विच को आप जब प्रेस करेंगे कॉल को रिसीव करना हो तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नीचे आप देख सकते हैं वैल्यूम बटन भी दिया गया है, तो ऐसा हो जाता है कि कॉल को रिसीव करना है और वैल्यूम बटन दब जाता है तो समस्या होती है। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है, सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं फिंगरप्रिंट की मदद से। सिंपली अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करना है, फिंगरप्रिंट रखेंगे, वीडियो पॉज हो जाएगा, प्ले करना है और प्ले कर सकते हैं। और इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी दी गई है कि 42 घंटे आपकी बैटरी इसमें चलेगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 42 घंटे बैटरी इसमें तब चलती है जब आप 70 से 75% साउंड रखेंगे, तब इसकी बैटरी जो है 40 से 42 घंटे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ब्लूटूथ वर्जन जो दिया गया है 5.1 दिया गया है, ये थोड़ा सा ओल्ड है। इसके अलावा जो है थोड़ा सा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन दे सकते थे। और दोस्तों, कॉलिंग पे इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है उसकी बात करें तो वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें दिया गया है डुअल मिक दिया गया है। इस वजह से अगर आप कॉलिंग करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं या करते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आराम से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। जो भी आपसे बात करेगा वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर जाती है, ये हमने देखा है जब भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा हमारे गले में इस तरह से रहता है तो थोड़ा सा महसूस होता रहता है कि हमारे गले में कुछ है। लेकिन जब आप मीवी डुओ एयरपोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी आपको समस्या नहीं होती है। बस एक चीज़ का ध्यान देना होता है, क्योंकि ये लाइट वेट है और इस तरह से अगर आप कान में लगा के रखते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, अगर आपने बाइक चला रहे हैं, हेलमेट लगाया है, हेलमेट आप निकाल रहे हैं, तो हो सकता है ये हेलमेट के साथ में निकलकर कहीं गिर जाए, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना होता है। और दोस्तों, इसके ड्राइवर की बात करें तो इसमें 10.5 mm का ड्राइवर दिया गया है जो कि अच्छा साउंड आपको देता है।
और दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो इसको हमने 899 रुपए में परचेज किया था। उस समय बिग विलियन डे की सेल चल रही थी और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या हमको लगी है तो इसका जो है फिंगरप्रिंट सेंसर। कुछ भी करना हो तो सिंपली फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज़ कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट सेंसर से इसमें सारे वर्क हो जाते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है मे बी डुओ पोर्ट्स M30 को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।